हेलो इट्स ओके, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरे साथ कई दिन से पोपट हो रहा है, तो मैं वीडियो तो बना रखा पर एडिट नहीं हो पा रही है। एडिट के लिए भी रखी हुए है, मेरा एक नया ब्लॉग है जो अभी रखा हुआ है, पर अभी कई दिन से मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट हुआ है। मैंने अमेजोन से है ना HDMI टू VGA अडैप्टर मंगाया था, मेल फीमेल, तो मैंने वैसे बाहर से परचेज कर लिया था, पर यह है कि अब मैंने उसको है ना मतलब अमेजोन से 24th या 25th को मैंने उसको रिफंडेबल कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो उसके बाद से मतलब कि उसका मतलब कि मैंने कस्टमर केयर से फिर बात की, जो मेरे पास उसका रिफंड नहीं आ रहा था, तो वो पड़ा मेरे को 399 रुपीज़ का। ठीक है, 399 रुपीज़ का पड़ा। तो उसके बाद कई दिन से मैं वेट करता रहा कि अब आएगा रिफंड, पर अभी तक उसका रिफंड नहीं आया। रिफंड जब आ रहा है तो देखा जा रहा है कि उसका चेक आया। मेरे पास कल कॉल आया कि सर आप अभिषेक बोल रहे हो, तो आपका ना मतलब कि कुछ मतलब कि मेल आया हुआ है, लेटर आया है, तो आप ले लीजिए। मैं गया, मैं सर यूट्यूब की तरफ से कुछ आया, मेरा एक्सचेंज पिन मैंने अप्रूव किया था, मेरे साथ से वो आया है, पर वो नहीं आया। मेरे पास है चेक, मैं दिखाता हूँ, ये ऐसा है, ये रहा अभिषेक, ठीक है, एड्रेस नहीं दिखा रहा हूँ, ये आया बताओ, ये तो 399 रुपीज़ का भाई अमाउंट होता है। तो मैं आपको चेक दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने कल कार्ड लिया था, तो ये समझ में आया कि 399 रुपीज़ का भाई कोई चेक देता है क्या। आज पहली बार भाई बहुत दिन के बाद मैं देख रहा हूँ कि कोई 399 रुपीज़ का चेक दे रहा है। मैंने फिर कस्टमर केयर कल अमेजोन वालों को खूब कॉल किया, मैंने बोला भाई क्या है ये, तो उन्होंने बोला कि सर आपका कॉल होल्ड पे रखा जाता है, मैं चेक कर लेता हूँ आपका जो भी डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री वगैरह, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। तो मैं ठीक है भाई, चेक करने की जगह मेरा फ़ोन काट रहे हैं, मेरा फ़ोन काटा। फिर मैंने फिर दोबारा कॉल किया, मैंने फिर कॉल किया, फिर बोल रहे कि भाई आवाज़ ग्लिच हो रही है सर आपकी, मैं आवाज़ ग्लिच हो रही है। उसके बाद फिर मैंने फिर कॉल किया, तो फिर उन्होंने बात कराई अपने किसी सीनियर से, तो उनसे बोला मैंने, तो वो बोल रहे हैं कि सर नहीं हो पाएगा। मैंने बोला भाई मैं क्या करूँगा, इसका 399 रुपीज़ छोटी सी अमाउंट है भाई, अमाउंट मेरे अकाउंट में डाल देते, चेक कर मैं कहाँ डोलता रहूँगा इनको लेकर। तो उन्होंने बोला इनका कोई सोल्यूशन नहीं है सर, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बताइए अब ये चेक का मैं क्या करूँगा, जो ये चेक उन्होंने मेरे को दिया हुआ है 399 रुपीज़ का, भाई 1000-2000 रुपीज़ का होता तो बात अलग होती, चेक दे दिया 399, कोई मजाक की बात होती है यार। मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉल का कोई जवाब नहीं है, ना कुछ है, कुछ हेल्प नहीं कर रहे, ना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है इनके दिमाग में। कि मैंने इनसे कई बार बोला यार, सबसे बढ़िया कह रहा हूँ तो आप सबको कि अमेजोन से आप कुछ भी मंगाते हैं तो ना ही मंगाइए, वही बढ़िया है, या वरना फिर आप कुछ भी रिफंड करते तो आपको ये मिलेगा, ये कागज़, वो चक्कर नहीं काटेंगे, फिर आप चक्कर काटोगे ये समझ लो। अब कहाँ चक्कर काटोगे, कितना का, अब मेरे को ये भी नहीं लग रहा कि भाई ये असली है क्या नकली है, फ्रॉड दे दिया है, ये बैंक कौन सा है, मैं भी बैंक पहली बार देख रहा हूँ कौन सा बैंक दे दिया है। तो भाई मैं सही कह रहा हूँ, आप है ना ऐसे ऐसे भाई अमेजोन से कुछ भी चीज़ मंगाइए, अगर मंगाना है तो सोच समझ के मंगाना, अगर रिटर्न करते हो तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में अब पैसे नहीं, अब चेक दिया जाएगा। बोलते हैं गवर्नमेंट का रूल हो गया है, गवर्नमेंट के रूल की वजह से ऐसा बताया जा रहा है, पर मैं कह रहा हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधा आपको देखना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए क्या करना है आपको। मेरा जो था मेरे साथ हुआ, मैंने आपको बताया, मैंने बात शेयर की है, पर आपको भी सोचना पड़ेगा। मैं अपने ब्लॉग चैनल पर इसलिए इसको डाल रहा हूँ ताकि आप सबको पता चले कि क्या हो रहा है। पर हाँ, ये वीडियो मेरी जरूर हर जगह शेयर करना कि सबके पास जाए ये वीडियो। मैंने यार अमेजोन वाले भी बहुत ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनानी जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत कॉल किया तो नहीं, कुछ नहीं सपोर्ट मिल रही है, वरना आपको मिलेगा भाई। एक बार फ्लिपकार्ट यूज़ कर, मैं फ्लिपकार्ट यूज़ नहीं करता था, फ्लिपकार्ट यूज़ जरूर करना, देखना कैसा है, मैं ज़रूर यूज़ करूँगा एक बार उसको भी, कि उसका रिफ़ंड कब आता है, कैसे आता है। मैं पहले भी काफ़ी बहुत करता था तो उसका मेरे को जवाब मिलता था, पर अब जवाब अमेजोन वालों का, अब मेरा भरोसा टूट चुका है, मैं अमेजोन से कुछ नहीं मंगाऊंगा, और नहीं मैं उससे कुछ UPI ID मेरा जो बन रखा है मैं वो भी कैंसिल आउट, वो भी हटा दूंगा, अब नहीं रखना मुझे। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि आप
वीडियो को हर जगह शेयर करना, और वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।